छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में राजस्व अभिलेखों में दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ कर मिलते जुलते नाम परिवर्तित कर भूमि पर दावा करने का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले में पीड़ित सुरेश चंद्र बडेरिया ने कलेक्टर कोरिया और पुलिस अधीक्षक से मामले में जांच करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की, साथ ही जो राजस्व रिकॉर्ड बदले गए हैं उन्हें सुधारा जाए। फिलहाल पूरा मामला न्यायालय में चल रहा है। भू माफियाओं से लगा हुआ मामला है। एक मंगला पनिका के परिवार का सदस्य, उसने मेरे ऊपर केस किया है कि ये मेरी जमीन है, जबकि हमने मंगल साय रजवार से जमीन खरीदी थी और वो अपनी पैतृक जमीन बताता है, जबकि ये जमीन हमारी 60 साल पुरानी है, हमारे दादा ने खरीदी थी और उसमें हमने गवर्नमेंट की सारी प्रक्रियाएं, डाइवर्सन, नक्शा पास, ये सब कुछ कर लिया था, काम चल रहा था। 2018 में उसने हमें परेशान करना शुरू किया और सिविल कोर्ट में केस लगाया, फिर तहसील कोर्ट में केस लगाया, फिर एसडीएम कोर्ट में कि ये ज़मीन मेरी है और ये कैसे संभव है कि रजवार से हमने खरीदी और वो अपनी पैतृक ज़मीन बताता है जो कि मंगला पनिका के परिवार का है, वो जात का पनिका है। ये मैं 4 वर्षों से चक्कर काट रहा हूँ। 2018 में उसने केस करके ये केस लगाया कि ये मेरी ज़मीन है, मेरे पूर्वजों की जमीन है, जबकि वो रजवार की जमीन थी जिसे हमने खरीदा था। कितनी जमीन है ये 48 डिसमिल जमीन। एक जो आप सवाल कर रहे हैं इसमें कि मेरे यहाँ प्रकरण अभी अपील का एक प्रकरण विचाराधीन है, महादेव विरुद्ध सुरेश चंद बड़ेरिया का, जो अभिलेख त्रुटि से संबंधित मामला है। पहले ये मामला तहसील न्यायालय में चल चुका है, वहाँ से वो प्रकरण खारिज हुआ। उसके बाद जो द्वितीय पक्ष था उनके द्वारा न्यायालय अनुभागीय अधिकारी राजस्व में अपील प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण अभी न्यायालय में विचाराधीन है। भू माफियाओं से लगा हुआ मामला है। एक मंगला पनिका के परिवार का सदस्य,